और हमें मिला है आज हम सफर का कोच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर बॉस। तो आज मैं हैदराबाद डेक्कन स्टेशन पर जो के आता है तेलंगाना में, और आज अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12721 दक्षिण एक्सप्रेस जो कि चलती है हैदराबाद से और कनेक्ट करती है नई दिल्ली को। तो आज अपनी जर्नी होने वाली है हैदराबाद से आगरा कैंट तक के बीच में। तो आज मैं इस जर्नी को करने वाला हूँ और ये जर्नी हमारी होने वाली है लगभग 1490 किलोमीटर की। तो दोस्तों, हैदराबाद से आगरा कैंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1490 किलोमीटर, और इस जर्नी को कवर करने के लिए हमें लगने वाले हैं 25 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों, आज मेरी जो सीट है वो है REC, वो भी है B5 में। तो आज हमारी जो जर्नी होगी हैदराबाद से आगरा कैंट तक के बीच में वो होगी REC सीट पर। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 9 और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर 2 घंटे पहले ही। तो चलिए चलते हैं अंदर, बैठते हैं और जब भी अपनी ट्रेन आती है तो आपको अराइवल दिखाते हैं अपनी ट्रेन का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ट्रेन लगा दी गई है हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, और हमें मिला है आज हम सफ़र का कोच, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारी REC सीट है। तो दोस्तों, हैदराबाद से ही अपनी ट्रेन डिले होने वाली है क्योंकि 11:08 पर तो ये आई है, तो ये जाएगी कब, तो चलिए देखते हैं। जब भी ये जाती है जितना डिले होता है आपको बताते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो दिखाते हैं आपको जब इसका डिपार्चर होता है तब। तो दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर 45 मिनट डिले से हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी बर्थ पर और फिर हम मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, क्योंकि अब रात काफ़ी हो गई है तो रात में कुछ दिखाना बनता नहीं है। तो अब जब भी आप खुलती है तो आपको मिलते हैं मॉर्निंग में।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं 520 किलोमीटर की जर्नी करके अपने स्टॉपेज पर जो है सेवाग्राम, जो कि आता है महाराष्ट्र में, और इसका स्टेशन कोड है SEMG। यहाँ पर हम पहुंचे अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट की देरी से, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5। यहाँ पर रोज़ाना ट्रेन आके रुकती है 55, और इस स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, और ये आता है नागपुर के डिवीज़न। तो दोस्तों सेवाग्राम पर 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से। दोस्तों 596 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नागपुर, जो कि आता है महाराष्ट्र में, और हम अपने निर्धारित समय से पहुंचे हैं 1 घंटे 30 मिनट की देरी से। तो दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ के स्टेशन कोड की, तो इसका स्टेशन कोड है NGP, और ये यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5। यहाँ पर रोज़ाना ट्रेनों के स्टॉपेज है वो होते हैं,
वो है 244 और यहाँ से रोजाना ट्रेन ऑरिजिनेट होती है 20 और यहाँ से टर्मिनेट होती है ट्रेन 21 और इस स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और ये आता है नागपुर के डिवीज़न में और यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों हम नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर आप ऑरेंज ले सकते हैं, यहाँ पर ऑरेंज की कुछ भी आइटम्स ले सकते हैं जैसे ऑरेंज जूस हो गया, ऑरेंज हो गई, ऑरेंज कैंडी होगी, ऑरेंज बर्फी होगी, यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं। तो 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का हो चुका है नागपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर, तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों अगर आप भी नागपुर आते हैं तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे फ्रूट्स के, जहाँ पर आपको हर एक स्टॉल्स पर आपको ऑरेंज मिलेंगे।
दोस्तों 762 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं आमला जंक्शन। और हम पहुंचे आमला जंक्शन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 40 मिनट की देरी से। आमला जंक्शन आता है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों आमला जंक्शन का स्टेशन कोड है AMLA। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 5 और यहाँ पर रोज़ाना ट्रेनों के स्टॉपेज है वो है 47। और यहाँ पर ट्रेन और यहाँ से ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं वो होती हैं 5। और इस स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे और ये आता है नागपुर के डिवीज़न में। देर हो अपनी ट्रेन का होने वाला है डिपार्चर, तो दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों मैं बात करूँ आमला जंक्शन की, तो ये जंक्शन पॉइंट क्यों है? तो ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो चली जाती है छिंदवाड़ा की तरफ चली जाती है, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है भोपाल की तरफ, और एक लाइन जिस लाइन से हम आ रहे हैं वो आ रही है नागपुर से, तो इसलिए स्टेशन है। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद आमला जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन का हो रहा है डिपार्चर। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से इस वीडियो के पार्ट को यहीं तक ही रखते हैं, और इस जर्नी का अगला पार्ट आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा इटारसी जंक्शन से आगरा कैंट तक के बीच में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में।